आइए भाई, लंकेश के लंके में जो चाटू लोग हैं उनकी लंका लगाने से पहले थोड़ा बहुत भाई ओवरव्यू दे देता हूँ। और हाँ भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ, हमारे प्यारे साहिल साहब, अभी तो फिलहाल आप ही मिल रहे हैं, और भी लोगों तक आऊंगा, उससे पहले जरा ये देख लीजिए। तू सर्टिफिकेट देगा क्या? तू सर्टिफिकेट देगा? तू देगा सर्टिफिकेट? पत्रकारिता कर, पत्रकारिता कर अपने हिसाब से। तू सर्टिफिकेट मत बांट, तेरा यू काम नहीं है भाई। तेरा काम है जनता के मुद्दे उठाने का, फालतू की बकवास करने का काम नहीं तेरा। नहीं, ये जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा। बेरोजगारी हो रही देश में, किसान इतना परेशान है, बेटियों के बलात्कार हो रहे, 13 किलोमीटर तक बेटी घसीटती हुई चली गई। तूने कितना उठाया उस मुद्दे को भाई? तू आ गया यहाँ इंटरव्यू करने के लिए धर्म पे और धर्म संसद पे, तू यहाँ आ गई इतनी दूर 70 किलोमीटर, तूने उठाया वो मुद्दा जो दिल्ली वाले लड़की जो हुई है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप किसी मीडिया से जुड़े हुए तो आपका काम क्या है, और अगर आप अपने आप को यूट्यूबर नहीं एक ऐसे सदस्य बताना चाहते हैं जो कि समाज के लिए काम कर रहे, रिपोर्टिंग का काम कर रहे, तो उनका क्या काम है उन्होंने बता दिया होगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ऐसे बंदों से जो कि भाई ये जागरूकता फैला रहे हैं, आप किसी को वोट करने से पहले ये करो वो करो, तो आप देख लो, आपको इतनी बड़ी मूवी के अंदर में अगर ये डायलॉग बोला गया है और इसमें कुछ प्रॉब्लम होता ना बॉस, तो उस चीज को रोका गया होता। एक नजर देख लीजिए प्लीज, आई थिंक थोड़ा याददाश्त ताजा हो जाए। धन, पैसा, जात पात, धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछ, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो वोट देने से पहले। तो इन भाई साहब का कहना है कि ये जो एक हेट स्पीच आया है हमारे प्यारे पीएम सर की तरफ से, हमारे मोदी जी की तरफ से, कि जो भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, आप अभी कुछ टाइम पहले जिसके ऊपर मैं निंदा कर रहे थे और लास्ट वीडियो जिसपे आपने निंदा करते हुए बनाया था कि फैक्ट को तोड़ मोड़ करके दिखाते हैं, लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर यू डियर पीएम। कुछ टाइम पहले जो आपका लास्ट वीडियो था जिसपे आपने निंदा करते हुए, जिसको लोग जर्मन शेफर्ड के नाम से जानते हैं, देखो वैसे कुत्ता वफादार होता है, जर्मन शेफर्ड को लेकर के जो भी ध्रुव राठी के फैन है उनको कुछ अलग तरह से समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, वो अच्छे खासे भाई उनके पास में दिमाग होता है, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कुत्ता को कुछ अलग तरह से नहीं लेंगे। सो जर्मन शेफर्ड के जो भी चीजें होती है, जो भी उनका प्रेजेंटेशन होता है, वो फैक्ट को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, उनका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि सेम चीज अप्लाई होता है जिनकी आप चाट रहे हो और जिनके बारे में जो है अभी पूरी की पूरी लोग बात कर रहे हैं। बाय द वे, एक चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भले से वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हो या ऑपोजिशन को या फिर कोई ऐसी पार्टी को जिसको कोई अभी पहचानता भी नहीं है, मैं सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जितनी भी बातें चल रही है, एक्स के ऊपर में ट्रेंड चल रहा है, रील्स के ऊपर में बातें हो रही है, सब धड़ाधड़ यूट्यूबर लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो लोग कभी मोदी जी के खिलाफ बोले नहीं वो भी मोदी जी के खिलाफ बोलने लग गए हैं, थोड़े थोड़े संकेत दिखने लग गए हैं कि भाई मोदी जी का इस बार का सरकार में जो है सीट्स थोड़े बहुत कम तो हो जाएंगे, ये नक्की है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, इस बात से बिल्कुल भी खुश मत हो जाना कि भाई बीजेपी सरकार हट जाने वाली है या फिर मोदी जी हार जाने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये वो पब्लिक है जो कि भाई हाथी के दांत लेके घूमते हैं, जो कि दिखाने के कुछ और होते, खाने के कुछ और होते। रिजल्ट जो है वो जब 4 जून को आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ये जितनी भी चीजें चल रही थी ये पूरे तरह से उल्टा काम कर जाती है, जस्ट लाइक पठान मूवी कि बायकॉट करो बायकॉट करो और सबसे ज्यादा लोग जाके उसी मूवी को देख डालते हैं, या फिर सच्ची में ये जो भी चीजें हो रही है उसका कुछ ढंग का आउटपुट आए। सो बैक टू द टॉपिक, इस महाशय का कहना है कि ये मोदी जी की तरफ से एकदम मास्टर स्ट्रोक है, उन्होंने बस इतना ही किया है कि जो भी चीजें लास्ट टाइम जो हमारे लास्ट सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार, उन्होंने जो कहा था बस उसी को रिमाइंड करवाया है, उसी सारी चीजों को तो बस सामने में वापस से याद दिलाया है, और जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के ऊपर में से कुछ पॉइंट्स निकाल करके सामने रखे हैं कि देखो सारे गहने को रख करके उसका हिसाब लगाया जाएगा, और जितनी भी मतलब ज्यादा संख्या वाली जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम्स है, मतलब इनडायरेक्टली वही था मुस्लिम से, उनमें बांट दी जाए। सही है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। बाय द वे, जहां तक कि इलेक्शन कमीशन की बात है, और जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है अपने इलेक्शन में, चुनाव में, उनका एक रूल होता है कि वो कभी भी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, उस चीज पे हेट फैला करके किसी भी तरीके से वोट नहीं मांग सकते, ना ही
किसी सैनिक के नाम पे या सैनिक के साथ में जो भी चीजें हो रही है उस चीज के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। अब बताइए कि वो रूल्स कहाँ गए और अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने कान क्यों बंद कर लिए हैं? समझ आता है आपको इस चीज के बारे में? आपको समझ आता है लेकिन आप बात नहीं करेंगे क्योंकि आप फंस जाने वाले हैं। बाय द वे, जब मैं इनके रिप्लाई वीडियो बनाने के लिए कुछ चीजें चेक कर रहा था तो वहां पे ये भी निकल करके आया कि जिन लोगों ने किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे इन लोगों ने खालिस्तानी और टेररिस्ट बता दिया था, उन्हीं के बच्चे जो है सरहद पे जाकर के हमारी देश की रक्षा करते हैं। और उनके तरफ से जो गुस्सा आया था वो यही था कि आपके हिसाब से मेरे माँ बाप जो है वो टेररिस्ट है और हम यहाँ पे हिंदुस्तान की हिफाजत में लगे हुए हैं, तो अगर ऐसा है तो हम बताएंगे अगले इलेक्शन में अगर आपको किसान की तरफ से एक भी वोट जाता है तो। भाई ये गुस्सा देख करके मैं हिलसा गया कि भाई शायद ये भी काम करने वाला है। वहीं पे तमिलनाडु और कर्नाटका में जाकर के लोगों से जब पूछा जा रहा था कि आप किसको वोट करना चाहते हैं तो उनका कहना था कि भाई हमने 10 साल से गलती कर दी है, हमारे यहाँ पे कहावत है रोटी को अलट पलट करके जो है पका के खाना चाहिए, हमने रोटी एक साइड रख दी जल गया है, तो अब हम बदलाव लाएंगे और वो बदलाव आपको दिखेगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो वो क्या कह रहे थे। और इन भाई साहब को इन सारी चीजों के बावजूद भी मोदी जी की इस बात को जो है वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। भाई साहब अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी सी अंग्रेजी आती हो तो आप एक बार इस क्लिप को देखें और बताएं। So your reason for the nation, why you'll vote? I feel that we need to vote to save the democracy and for the name we have as a nation. To be honest, we live in very difficult times. The opposition leaders are being arrested. This is the first time a sitting chief minister is being arrested. Their opposition bank accounts are being blocked and there are many things. But you wouldn't even imagine for once that maybe those opposition leaders could be corrupt. So do you mean that if I am a corrupt opposition leader and if I change my party and go to a party that is in power, all my crimes and all will be washed away, like how it is happening? तो बताइए बंदे ने क्या ही गलत कह दिया, कुछ गलत कहा क्या? आपका इस चीज पे क्या प्रतिक्रिया है साहिल जी, कुछ बताएंगे आप? बनाएंगे इस पे कोई वीडियो? उतना छोड़ो यार, एक छोटा सा बच्चा जो है उसने तक कह दिया, एक छोटा सा बच्चा वो सीधा कह दिया एक बीजेपी के सपोर्टर को कि आपके हिसाब से 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन बांटा है। वो बंदा कहता है हाँ, तो बोलता आपके हिसाब से ये 80 करोड़ जनता जो थी वो गरीब नहीं थी, और ये कब गरीब हुई? जब मोदी जी आए और राशन दे करके उनको गरीब कर दिया, तो आप मानते हो या नहीं? अब वहीं पे जो है रिपोर्टर कहती है आपके पास में इतनी सारी जानकारी कहाँ से आई, आप ईडी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता कैसे चला? तो भाई साहब का कहना था कि आप ध्रुव राठी का एक दो वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो भाई ध्रुव राठी अपने चीजों को बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट करता है साहिल जी, मैं इस चीज को आप तो मान गया हूँ कि बच्चे बच्चे तक समझ चुके हैं क्या सही है क्या गलत है। सर 400 पार का नारा है ये तो सब जुमला है जी, जुमला। हाँ, सच्चाई तो ये है। हाँ। जब सरकार 272 पे बन जाती है। हाँ। तो 400 की जरूरत क्यों है? ये संविधान को बदलना चाहता है, ये देश की सारी जो संपत्तियां सबको बेचना चाहता, अब का कटोरा दे रखा, अब की बार थाली दे देगा अगर जो आ गया तो, हाथ में भिखारी बनाएगा देश को। दूसरी बात यह है बाप की प्रॉपर्टी को बेच के, बाप की प्रॉपर्टी को बेच के कोई बेटा ये कहे कि काम बहुत बढ़िया चल रहा, जो कांग्रेस की संपत्ति थी उस सबको बेच दिया, अकेला विकास काय का विकास है देश में, इतना कर्ज कर दिया इसने। कह रहे 14 के बाद विकास हुआ, से पहले विकास नहीं किया कांग्रेस, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस ने तो बनाया था, कांग्रेस की प्रॉपर्टी को बेच के बढ़िया बन रहा, बाबा ही लूट रहा, कहीं साफा बांध लेता, कहीं लुंगी ओढ़ लेता, बेरूपिया प्रधानमंत्री है, बेरूपिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करी, डिवाइड एंड रूल। इसने तो पूरे देश में कुछ नहीं करवा रहा, पूरे देश को बांट दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया, जहर घोल दिया इसने देश में, इसने देश में जहर घोल दिया। बाय द वे, ऑडियंस के लिए जो है कुछ चीज है, जिस तरह से एक टाइम पे बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, और जिस तरह से अभी बीजेपी सरकार अपने मैनिफेस्टो को छोड़ करके सीधा कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार करने लग गए हैं, उनके मैनिफेस्टो के बारे में बात करने लग गए, जबकि अगर मुझे जीतना है, मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, तो मैं वो सारी चीजें गिनवाऊंगा, जो जो चीजें मैं करने वाला हूँ उसी सारी चीजों का मतलब प्रॉमिस करके मैं घुसूंगा। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इनके पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको ये गिनवा करके खुद वोट जीत सके, तो ये दूसरे का मैनिफेस्टो जो है वो प्रचार करने लग गए, और सबसे ज्यादा मैनिफेस्टो डाउनलोड होने लग गया कांग्रेस सरकार की। ओ भाई देखो, मैं सच कह रहा हूँ, भले से बीजेपी को नहीं ला रहे हो लेकिन इनके सामने में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है भी नहीं जो कि इनको रिप्लेस कर सके। राहुल गांधी देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से
अब सही कुछ करने लगे हैं और उनको मौका अचानक से नहीं मिलने वाला है। जितने भी समझदार लोग हैं वो अचानक से तो नहीं देने वाले हैं, मुझे जहां तक लगता है। अब आपका सवाल हो सकता है, अबे जब वो नहीं तो ये नहीं तो फिर किसको? अब ये सवाल तो भाई आपका है, आप मतदाता हो, आप मत देने वाले हो, तो भाई आप समझो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि इसको वोट करो या इसको वोट मत करो, मेरा सिर्फ ये चीज़ है कि मैं कुछ चीज़ें सामने रख रहा हूँ और मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना विवेक का इस्तेमाल करें। ओह माय गॉड, पॉलिटिकल वीडियो बनाते बनाते मैं पहली बार इतने शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ, क्या हो गया, मैं इतना शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहा हूँ? आते हैं मेन पॉइंट पे कि भाई जिस तरह से ये लोग बना रहे थे वीडियो अपने मतलब इलेक्शन के टाइम पे 2014-2018-19 के टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की सरकार ने नहीं, कांग्रेस ने अब हाथ देगा आपका साथ, और उसके साथ में जो जो चीज़ें उन्होंने कहा था वो सब पे रिप्लाई खेलना चालू कर दिए भाई, और रिप्लाई देख के मज़ा तो आ रहा है। हाँ मज़ा तो आ रहा है, सबसे अच्छा लगता है कि बाकी सब अच्छा है भाई, उसके पीछे में जो चीज चल रही है आप एक झलक देखो समझ में आ जाएगा। 10 साल से खड़ी है, इसलिए स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन बाकी सब ठीक है। ये टायर? अब गाड़ी चलेगी नहीं तो टायर तो खराब होंगे। और इंजन? पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है तो इंजन किस काम का, लेकिन बाकी सब ठीक है। आत्मनिर्भर कार है ये। अरे ये कार है या सरकार है? सरकार ही है, तभी तो 10 सालों से बस खड़ी है। घोटाले में फंसे सांसद आज, ये लोग भ्रष्टाचार मिटा के काला धन लाने वाले थे, लेकिन ये लोग तो इनको ही साथ ले रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। किसान देश का अन्नदाता है, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। ये लोग औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं रोक पा रहे, महंगाई को नहीं रोक पा रहे, बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहे। लेकिन वोट तो रुकवा दी ना पापा। देश की वाट लगा दी पापा, ऐसा बोलो बेटा। वोट तो आपने दिया ना पापा। आप ही के यहाँ से जो बंदा का मैं फैन हुआ करता था, देखो यार जिस जिसका मैं फैन हुआ करता था वो सब भरम तोड़ने लग गए हैं। एक टाइम आपका फैन हुआ करता था, अभी भी हूँ क्रिटिक के मामले में, जब भी आप मूवी रिव्यू करते हो उसके मामले में। लेकिन एक बंदा और था जो कि भाई रिपोर्टिंग करता था, नल खोल के बताता था कि इंजीनियर ने देखो कहाँ पे और कैसे नल लगाया है, फिर बता रहा होता था सरकार कैसी है, आमिर खान को गाली दे रहा होता था, शाहरुख खान को गाली दे रहा होता था और एकदम लॉजिकल बातें कर रहा होता था। इस बंदे को जो है एक फेक केस में उठा लिया गया था, जिसपे आपने भी वीडियो बनाया था और कहा था कि देखो साला ये फेक वीडियो बना रहा था, इसको सही किया गया है, बिल्कुल इस साले को उठा के जेल में डालो। आप यहाँ तक ठीक मान रहे हो, सही मान रहे हो, ठीक है, पर आपने अभी अगर इसके रिप्लाई में ये कह दिया कि सही है तो फिर आप भी वॉशिंग मशीन का सपोर्टर हो। हाँ तो भाई यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई साहब जो है जेल जा चुके थे और मनोज तिवारी जो है इनको लेकर के आते स्टेज पे और इनको पहना देते भगवा, भगवा के साथ में हाथ में दे देते फूल माला और भाई सीधा बना देते ले अब से तुमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हो भाई उस बंदे के शक्ल पे दिख रहा है, उस पर डील हुई है कि तुझे देख बाहर निकालेंगे लेकिन तू आएगा हमारी सरकार में। हाँ बोले तो अभी निकालता हूँ, ना बोले तो साढ़ साल इधर पे। भाई साहब ने ऑब्वियसली हाँ बोला है और निकल आए। लोग कह रहे भाई बिग गया, वो तो मैं भी मान रहा हूँ भाई बिग गया। जब यूट्यूब कम्युनिटी नया नया शुरू हुआ था ना, उस वक्त में अभिशार करके कोई था, पतला दुबला सा, दांत ऐसे पूरा एकदम गुटखा खाया हुआ बंदा, चश्मा लेकर के केजरीवाल के स्टाइल में हाथ में साला वो पेपर लेकर के पढ़ता रहता था और एक के बाद एक सबका पोल खोलता था। और उसके कुछ एक साल के बाद भाई एक वीडियो वायरल होता है जहाँ पे उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आती है और वो सरकार के साथ में हाथ मिला करके कह रहा होता नहीं 5 लाख लूंगा कम से कम, और उसके बाद से जो ज्वाइन कर जाता है, उसके बाद से जब उसे पूछा जाता है तो बोलता है नो कमेंट प्लीज। ओके दैट्स इट, मैं बता रहा हूँ पता नहीं कैसे मुझे कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही थी, मैंने सोचा कुछ चेंज लाते हैं और जब से मैं इस वीडियो को बनाना शुरू किया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे वक्त कम पड़ने लग गया है और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा आप बोरों के भाग जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा डोज लो यार, मज़े लेने के लिए है बस, इसको कुछ और तरीके से मत लेना, इट इज़ जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, किसी भी सरकार को गिराने या उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब के सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसको भी ला के खड़ा करोगे सब साले खाएंगे पियेंगे, मजे तो इस बात की जो भी आता है उसकी लेते रहो, बजाते रहो, मजे लेते रहो भाई, ठीक है। फायदा हमेशा जनता की होनी चाहिए, फायदा किसी भी तरह से मिले, भले से किसी से भी मिले, देश का उन्नति होना चाहिए और जितनी भी जनता है उनकी उन्नति होनी चाहिए। दैट इज ओनली माई मोटो, व्हाट्स योर टेक, आप अपना बताओ कमेंट सेक्शन पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार।